हम लोग एक बहुत ही हाईटेक जिसमें सारी व्यवस्थाएं पशुओं के लिए होगी, एक छोटे बिल्ली से लेके बड़े से बड़े जानवरों का भी हम लोग बेहतर इलाज उसमें करेंगे। कहीं भी किसी को एक्सीडेंट किसी जानवर का हो गया, आपके तरफ से सूचना आएगी, हम उस जानवर को कलेक्ट करा के उसको बेहतर इलाज करा के उसको स्वस्थ कराएंगे। उस कार्य को करने में हमारे कई सारे समाज सेवी, कई लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, उनसे धन प्राप्त करके भी हम लोग वहाँ निर्माण कर रहे हैं और सांसद निधि से लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगा के एक बहुत ही हाईटेक प्रणाली से जिला पशु अस्पताल में एक हम लोग व्यवस्थित अस्पताल संचालित करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 3 से 4 महीना लगेगा, उसके बाद जल्द ही आप लोग के बीच वो भी एक खुशखबरी मिल जाएगी। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, ये मैं जानकारी आपको देना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों के लोकप्रिय सांसद महोदय, आप लोग जैसे जानते हैं कि आपको पशु प्रेमी है, उनको पशु प्रेम के कारण ही इस जनपद में भ्रमण के कारण उनको लगा कि इस जनपद में कोई भी हॉस्पिटल जानवरों के लिए नहीं है, केवल इसे छोटे छोटे मोटे डॉक्टर आते हैं देख के हल्का फुल्का इलाज कर देते हैं जानवरों के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। और जो हाईटेक हॉस्पिटल बन रहा है आपको अवगत कराना चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है पूरे प्रदेश में ऐसा कोई हॉस्पिटल पशुओं के लिए नहीं बना है। ऐसे इस कार्य के लिए माननीय सांसद महोदय को, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हुए माननीय रंजीत सिंह जी को, जब आप जोरदार ताली से आप लोग ऐसे कार्य के लिए स्वागत करने का काम करें, धन्यवाद सर। अब माननीय सांसद प्रतिनिधि महोदय से